नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया और अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले काफी समय से आप लोग बार बार एक क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, ये कई बार पूछते हैं। और दोस्तों, हम एक ही सवाल का जो है बार बार ये कितनी बार रिप्लाई दे सकते हैं आपको, इसलिए सोचे कि एक वीडियो कहीं ना कहीं आपके सामने रिप्रेजेंट करता है, ताकि आपके मन के अंदर में जो सवाल चल रहे होंगे उनको इस वीडियो के माध्यम से निपटारा किया जा सके, खात्मा किया जा सके, या उन सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से दिया जा सके। आप लोग हमेशा कहते हैं कि रवि सर, या हमारे टीम के लोगों से जब भी बात करते हैं तो आप अक्सर कहते हैं कि रवि सर, या फिर सर कृपया आप हमें मैडम का फोटो भेजिए, बात करवा दीजिए, या मैम का फोटो भेजिए या बात करवा दीजिए। तो भाई साहब, ये जो जमाना है, ये सन 2024 का जो जमाना चल रहा है, जो ईयर चल रहा है, जो युग चल रहा है भाई साहब, ये टेक्नोलॉजी का। और आज की डेट में गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब के, जहां ट्विटर, ऐसे एप्लीकेशन है जहां पे आप कुछ भी टाइप करें, कुछ भी सर्च करें और एक सवाल पूछेंगे तो हजार आपको उत्तर मिल जाए। तो भाई साहब, वहां पे किसी एक महिला का, लड़की का, अगर हम ये सर्च करते हैं या लिखकर या मंगाते हैं कि हमें लड़कियों का फोटो चाहिए, महिलाओं का फोटो चाहिए, भाई साहब मैं एक शब्द कहूंगा या आप एक शब्द कहेंगे, करोड़ों फोटो आ जाएंगे, लाखों फोटो आ जाएंगे। भाई साहब, आप सोचिए कि आप जिस शब्द की डिमांड कर रहे हैं, जिस चीज के ऊपर आपको लगता है कि ट्रस्ट हो जाएगा अगर बंदे ने ये भेज दिया तो, वो चांद पे जाके तोड़ के लेकर आना एक करोड़ों की मतलब उसका मूल्य नहीं कि वो बहुत महंगे मिलेगी, चांद पे जाना होगा तोड़ने के लिए। भाई साहब, वो सिर्फ मुंह से आप लिखने भी नहीं आता ना, आप पढ़े लिखे अनपढ़ भी है तो कोई बात नहीं। आज के डेट में गूगल एडसेंस है, सरल शब्द में कहें तो गूगल पे आप बोलिए भाई साहब मुझे लड़के का फोटो चाहिए, लड़के मराठी, गुजराती, तमिल, तेलंगु, भोजपुरी, हिंदी, जैसे ही भी चाहिए, जिस भी कास्ट बिरादरी समुदाय, जिस भी पढ़ी लिखी डिग्री डिप्लोमा क्वालिफिकेशन, जैसा भी आपको चाहिए भाई साहब, एक बार आप कहिए, एक फोटो के लिए कहेंगे ना, गूगल आपको 1000 फोटो दे देगा। आप बताइए, अगर हम उस फोटो को इंटरनेट से डाउनलोड करके आपके पास भेज दें और आपसे कहें कि लीजिए भाई साहब, आपने कहा था ना लड़की को फोटो दीजिए शादी करने के लिए, दे दिए आपको, तो भाई साहब आप तो कहेंगे हाँ भाई साहब आपने तो बढ़िया काम किया, दे दिया फोटो। और बहुत कहेंगे, उसके बाद आप कहेंगे नहीं बात करवा दीजिए। तो 90% लोग आज यही ट्रिक यूज करते हैं, जो लोगों के साथ में धोखा फ्रॉड स्कैम करते हैं, महिला का फोटो भेजेंगे, खूबसूरत सुंदर सुंदर सी महिलाओं या लड़कियों का फोटो भेजेंगे, वही सोशल मीडिया से डाउनलोड किए रहेंगे, फिर उनके व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे, और फिर जब कहेंगे बात करवाओ, उनमें से कोई लड़की अगर आपने पसंद कर लिया तो आप कहेंगे नहीं बात करवाइए, तो मैं हम विश्वास करेंगे, तब पैसा भेजेंगे। तो बगल में बैठी या ऑफिस में किसी महिला, किसी लड़की से जान पहचान के या उनके टीम के लोगों से वो फोन पे, कॉन्फ्रेंस पे बात भी करवा देंगे, और बात जिस भाषा में आप करेंगे उसी भाषा वो भी बात करेंगे। बस समझ मारी, जिस जात धर्म की कहेंगे आप मैं हूं, सामने वाला है कि उसी जात धर्म का बनके या उसी स्थिति, उसी सिचुएशन से या आपके लायक वैसे बन ढल के आपसे बात करेगा, 2-4 मिनट बात करेगा, फिर क्या आपको तो लगेगा कि भाई साहब फोटो भी आ गई, बात भी हो गई, रिश्ता फिक्स होगा क्या? अब क्या सोचना, दे दो 10,000 ट्रांसफर कर दो इनके खाते में, क्योंकि आगे चल के शादी करवाई देंगे। और भाई साहब इसी के चक्कर में ऐसे ही कहीं ना कहीं आप अपना 10-20-50 हजार 1-2 लाख रुपए कैसे गंवा देंगे, ये आपको भी नहीं मालूम पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक बार आपने फोटो पसंद किया, एक बार आपने बात किया तो दोबारा भी आप बात करेंगे, तो दोबारा बात करवाने के पैसा लेंगे, तीसरी बार बात करेंगे तो उसका भी पैसा लेंगे, एक बार 5,000 भरो, दूसरी बार 10,000 भरो, तीसरी बार 15,000 भरो, चौथी बार बोलेंगे अरे भाई साहब, वो लड़के बोलेगी, तब तक तो आपको लगेगा कि सामने वाला जो है वो तो आपकी वो जीवन साथी हो गई, आपकी गर्लफ्रेंड हो गई और आपका वाइफ हो गई, अब क्या फर्क पड़ता है वो 5,000 मांगे चाहे 15,000 मांगे, आपके सामने कंडीशन रख देंगी कोई एक ऐसी जिसमें कहेंगी माता जी खराब है, पिताजी की तबीयत खराब है, बाइक टूट गई, हॉस्पिटल में यहां जा रही हूं, एग्जाम है, पेपर है, कुछ पैसे की कमी है, 10-15 हजार पति जी दे दीजिए ना। और आप तो भाई साहब लड्डू हुए रहेंगे, बोलोगे बेबी, डार्लिंग, वाइफ, धर्म पत्नी, जो भी आप सोचना चाहे सोचिए, कहीं ना कहीं आपकी विचारधारा ऐसी होगी उस दौरान।
आप दोस्त यार से कर्जा लेके खेत बेच के बीबी माँ बाप का गहना गिरवी रख के क्या करके चोरी बेमानी कहां से आप पैसे की इंतजाम करके उनको दे देंगे और नहीं देंगे तो उस दिन आपकी आपकी आपसे वो बात ही नहीं करेंगे, और दे दिए तो फिर अगले बार का आपको बकरा बनाने के बारे में सोचेंगे कि अगली बार कितना पैसा आप कैसे बनाए, और जब तक आपको समझ में आ जाएगा तब तक आपको 50,000 एक दो डेढ़ दो लाख रुपए का चूना लग जाएगा शादी के नाम पे। तब आप लास्ट में कहेंगे झुंझुना लाएंगे और कहेंगे अरे यार मेरे साथ में तो धोखा हो गया, फ्रॉड हो गया, स्कैम हो गया। गलती तो आप ही करते हैं, आप ही स्टार्ट करते हैं, आप ही शुरुआत करते हैं। जब आप ये कहते हैं कि हमें फोटो भेज दीजिए, हमें बात करवा दीजिए, हमारी शादी करवा दीजिए, भाई साहब शादी करवाने का काम कोर्ट का होता है, कोर्ट आपको पेपर पे मोहर लगा के देती है कि इनकी इनकी शादी हो गई। पंडित जी का काम होता है जो आपके अग्नि के सामने सात फेरे लेते हैं, जो आप शादी जब आपकी फिक्स होती है, जब आप लोगों को आमंत्रण देते हैं, निमंत्रण देते हैं, भाई साहब इस दिन को इस तारीख को इतने बजे आप आइएगा हमारी शादी, उसमें आप गवाह बनिएगा। बैंड बाजे वाला भाई साहब शादी कराता है, वो उस दिन खूब झूम झूम के बाजे बजाता है, डीजे रथ वाला भाई साहब, ये सारे लोग सम्मिलित होते हैं आपकी शादी करवाने में। पंडित जी पैसा लेते हैं सिर्फ इस बात का कि मंत्र पढ़ेंगे, अग्नि के सामने सात फेरे लगवाएंगे, उसका पैसा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी शादी करवाते हैं, शादी करवाते हैं आपके माँ बाप, आपके पिता शादी करवाते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति शादी नहीं कराता। और जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं आपकी शादी करवाऊंगा बदले में 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10, 20, 5 हजार लूंगा, वो 100% आपको चूना लगा रहे हैं और आप समझ नहीं रहे, आप फोटो और बात करवाने के चक्कर में पड़े हैं। भाई साहब आज के डेट में ना अमेरिका, लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जर्मनी, आप जो भी देश के हैं, वर्ल्ड की जिस भी कंट्री का आप नाम ले, हर एक कंट्री में कोई ना कोई एक ऐसी संस्था, कोई ना कोई एक एप्लीकेशन, कोई ना कोई एक ऐसी वेबसाइट है जो उस कंट्री की टॉप है शादी विवाह के रिश्ते लगाने की। देखिए शादी विवाह के लिए रिश्ता लगाना अलग होता है और शादी विवाह कराना अलग होता है, दोनों डिफरेंट डिफरेंस है। आपका कोई जान पहचान का व्यक्ति आपकी शादी लगवा सकता है, शादी विवाह के बारे में आपकी बात उनसे करके, उनकी बात आपसे करके रिश्ता फिक्स करवा सकता है, लेकिन शादी कौन करवाएगा? आपके माँ बाप करेंगे, क्योंकि उन्होंने आपको पैदा किया है और वही आपको शादी, वही लोग आपका आगे चल के शादी विवाह कराएंगे, आपके बारात में भी जाएंगे, आपको लिया के भी जाएंगे, आपके लिए गाड़ी घोड़ा बंगले का व्यवस्था करेंगे, सब कुछ वो करेंगे। भाई साहब आपका जो गांव वाला जो दूर का रिश्तेदार था ना, वो नहीं करेगा, वो तो सिर्फ जानकारी दे देगा लड़की पक्ष को, लड़के पक्ष को आपकी जानकारी दे देगा। वही दोस्तों जो है काम हमारी संस्था करती है, और इसी काम को आज भारत की बहुत सारी ब्रांडेड कंपनियां, वोकर शादी डॉट कॉम नंबर वन, भारत मैट्रिमनी नंबर वन कंपनी, अब जीवन साथी सेकंड नंबर या थर्ड नंबर आप मानोगे, इस प्रकार से बहुत सारी कंपनियां हैं, और ये जो कंपनियां इस प्रकार की ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में अपना सर्विस देती है। लेकिन दोस्तों कभी आपने किसी के शादी में नहीं सुना होगा क्या शादी डॉट कॉम के माध्यम से क्यों शादी हो रही है, ये शादी डॉट कॉम के जो सीए हैं वो आए, ये जीवन साथी भारत मैट्रिमनी जो सीए हैं, जो मैनेजर हैं, जो उनके ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो उनके मालिक हैं, वो आज इस शादी में पधार रहे हैं, ये इनके माध्यम से शादी हुई। भाई साहब ये सारी लोग सर्विसें उपलब्ध कराती हैं, शादी विवाह के बारे में रिश्ते की जो जानकारी है, रिश्ते की जो सूचना इंफॉर्मेशन है, वो देने का काम इनका है। उसके रिश्ता फिक्स होने के बाद शादी कराने का वो काम आपके गार्जियन, आपके दोस्त यार, आपके जान पहचान वाले होगा। ठीक है, तो आप बातों को समझिए, इसमें डिफरेंस है, भिन्नता क्या है, इस चीज को समझिए। कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर ये दावा करता है कि वह व्यक्ति आपका शादी विवाह करा देगा, तो आप समझ जाइए वो व्यक्ति आपके साथ में धोखा फोड़ स्कैम करने वाला है। लेकिन दोस्तों हमारी संस्था में, या मैं जो व्यक्ति हूं, मैं कौन हूं, कहां से आता हूं, क्या करता हूं, अगर आपको नहीं जानकारी, तो सरल शब्द बताऊं कि दोस्तों नाम मेरा रवि कुमार, उत्तर प्रदेश के भारत के अंतर्गत एक छोटा सा राज्य है यूपी, और उसके अंतर्गत एक छोटा सा जिला है जिसका नाम तो शायद आपने सुना ही होगा फिल्मों में, नाम है आजमगढ़, यहां का रहने वाला हूं। जो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन, मतलब आप घर बैठे हमारे माध्यम से, या हम आपको शादी विवाह के रिश्ते उपलब्ध करा सकते हैं, या आप हमारे ऑफिस में आके शादी विवाह के लिए रिश्ते जो है देख सकते हैं या ले सकते हैं, दोनों प्रकार से सर्विस उपलब्ध है। किसी भी प्रकार की और अधिक जानकारी के लिए कृपया यूट्यूब पर बोलकर, लिखकर, सर्च करके, सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कहीं भी आप एक शब्द कहके मंगाइए, रिश्तों की दुनिया, एक ही शब्द कहिए रिश्तों की दुनिया,
दोस्तों आप हमारी 800 से अधिक वीडियो है जहां पे हमने हर एक टॉपिक, हर एक समस्या, हर एक प्रॉब्लम्स के ऊपर, हर एक जात बिरादरी समुदाय, पढ़ाई लिखाई, डिग्री, डिप्लोमा, हर एक ए टू जेड के ऊपर आपको वीडियो बना के उपलब्ध कराएं। उनको देखिए, समझिए। यदि आपको भरोसा विश्वास होता है तो आप हमारे साथ में अपना रजिस्ट्रेशन करवा के हमारे ऑफिस में आप फोन करके जानकारी लेके आप अपने जो जीवन साथी की जो ड्रीम्स, जो तलाश, उसको कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन आप कॉन्टेक्ट, संपर्क कैसे करेंगे? तो दोस्तों उसके लिए आपको एक हमारे ऑफिस का जो कॉन्टेक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, संपर्क नंबर नीचे आपको शो कर रहा है, इस नंबर पे सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे के बीच में आप संडे, मंडे, एवरी डे कभी भी फोन लगाइए, जानकारी लीजिए, जानकारी दीजिए और बदले में 24 घंटे के अंदर में बढ़िया सा, बेहतरीन सा जीवन साथी जो तलाश, उसको कंप्लीट करवाइए। थैंक यू सो मच दोस्तों। ये वीडियो पसंद, जानकारी अच्छी, प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप पाल पे सेट करके रख दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।